और ये साइड में, और नीचे जो है वो ये बंदी विषय भली करे आया सिंधी कल्चर डे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्यों? क्योंकि कल्चर डे आ रहा है, सिंधी कल्चर डे। तो इस संडे को है कल्चर डे, तो हम लोग घर पे एज ऑलवेज हर संडे को 3 दिन पहले ही, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर से सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी। तो उससे पहले हम लोग डेकोरेशन वगैरह कर लेते हैं। इस बार जो है वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि मैं क्या क्या करने वाली हूं। कुछ चीज़ें मैंने बना ली हैं और कुछ चीज़ें मैं अभी बनाऊंगी, और डेकोरेशन तो पूरी आप देखेंगे मेरे साथ। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है और क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये हैं कुछ अवार्ड्स जो मेरे फादर को मिले हैं, एंड दिस वॉज मेड बाई मी, जो मैंने आज सुबह ही बनाया। भली करे आया, विच मीन्स के आपके मोस्ट वेलकम, इन इंग्लिश वी से मोस्ट वेलकम, इन सिंधी वी से भली करे आया। तो ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको रखूँगी किसी जगह पे, अच्छी सी जगह पे। अरे इसके अलावा जो मैंने सोचा है, मैंने कैनवस लिए हैं 4x4 के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ही आए हैं वो, मेरी सिस्टर लेकर आई हैं, तो मैं उस पर पेंटिंग करूँगी और हैप्पी कल्चर डे लिखूंगी। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलें वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरे पास 4x4 के 3 कैनवासेस हैं और मेरे पास ये पेंट्स हैं, तो मैं इसमें से कुछ करने वाली हूँ इस पे। और मैं ये स्पंज ले आई हूँ ताकि मैं स्पंज की मदद से इस पे ये टैपिंग कर सकूँ और कुछ अच्छा सा बन सके। ये 4x4 के हैं और मैं कलर्स जो यूज़ करने वाली हूँ वो हैं ये 3। तो ये 3 जो है वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट पर्पल कलर में कर दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़े और कलर जो है वो ये वाला जो कलर है ब्लू वो ऐड करूँगी। मैंने पेंट कर दिए हैं, तीनों में से एक का बॉर्डर मैंने बना दिया है ब्लैक में, बाकी इन दोनों का जो है वो मैं बॉर्डर बनाऊंगी अभी, तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये तीनों रेडी हो चुके हैं, अब मैं इस पे सिंधी कल्चर डे लिखूंगी और फिर उसको इससे ब्लैक पेंट करूंगी। तो मैं वो दिखाती हूँ, पहले पेंसिल से लिखूंगी और उसके बाद जो है वो पहले मार्कर से मैं ये दिखा देती हूँ आपको। इट्स लुकिंग नाइस। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं इसको वॉल पे भी लगा लूँ, और सारी और जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या सोच रही हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है गिफ्ट रैप है जो अजरक का प्रिंट है, तो मैं इससे भी कुछ बनाऊँगी या फिर इसको पेस्ट करूँगी कहीं पर, इससे भी कुछ इनोवेटिव आइडिया मुझे मिल जाएगा होपफुली सून। तो इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ। और वाली जो वॉल है ना, ये खाली है, तो मैंने यहीं पे सोचा है कि यहाँ पे सब कुछ हैंग करूँगी मैं। अजरक बिलुक यहाँ पे दूँगी, और एक यहाँ पे टेबल रखी हुई है, तो यहाँ पे मैं कुर्सियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे मैं एक टेबल भी लगा दूँगी जिसपे मैं अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो फ्रेम्स वगैरह वो यहाँ पर लगाऊँगी। तो यहाँ की बाकी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको। ये है डेकोरेशन पीसेस हैं ये, जो मार्केट से मिल गए थे मुझे, तो मैं ये 2 यूज़ करने वाली हूँ जिस पे अजरक का प्रिंट है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो ये 2 हैं मेरे पास
और इसके अलावा एक और चीज़ है, और बाकी ये कैनवस है जो मैंने आपको दिखाए थे, ये तीनों हैं। तो जो मैं वॉल पे सोच रही हूँ वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और बीच में एक और चीज़ आएगी, मैं वो भी दिखाती हूँ। तो ये है, दिस इज़ द मैप ऑफ सिंध, और यहाँ पे जी है सिंधु देश, और ये मेरे बादल भाई हैं मेरे, उनका नाम है। ये हमारे हमारे जो अबू के फ्रेंड थे उन्होंने ये बनाया था आई थिंक 13-14 साल पहले। तो ये अभी तक रखा हुआ है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, तो ये अभी तक चल रहा है। तो मैं ये भी लगाऊंगी यहाँ पर, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बीच में ये लगाऊं और ये साइड में, और नीचे जो है वो ये, बाकी जो नीचे टेबल्स आएंगी उस पर मैं अभी सोच रही हूँ। ये हैं कील्स, ये बड़ी वाली हैं और ये जो हैं वो छोटी वाली हैं। तो मैं ये लगा लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, तो ये इस तरीके से मैंने लगा दिया है दिस, और ये जो है वो मैंने थोड़ा सा इसका पोजीशन चेंज कर दिया, बट इट्स लुकिंग गुड। अब इसके अलावा यहाँ पे एक टेबल आएगी तो मैं वो ले आती हूँ, फिर ये भी उसका वो कवर हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल गंदी हो रही है यहाँ से, बट दिस इज़ लुकिंग नाइस। तो अब इसकी बारी है, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं इसके पीसेस कट करूँ और फिर उसको वॉल पे हैंग करूँ एज अ बॉर्डर। तो मैं कट करती हूँ इसको, ये ले आऊँगी और मैं इसको कटिंग करूँगी हाफ में, और मैंने ये यहाँ पे एक लगा दिया है, और इस पूरी वॉल पे मैं ऐसे ही करके लगाने वाली हूँ। ये मैंने तीन लगा दिए हैं, अब लास्ट रहता है।